नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी है। इस महीने सैलरी में बढ़े हुए डीए के साथ मिलेगा एरियर भी। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी, इस महीने पर जो उनकी सैलरी आएगी उसमें सैलरी में महंगाई भत्ता जुड़कर आएगा और साथ ही डीए एरियर भी मिलेगा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान करने के बाद रेल मंत्रालय ने सभी जोन में अपने कर्मचारियों को इसके भुगतान के आदेश दे दिए हैं। यह भुगतान इस महीने के अंत तक जारी करने का आदेश दिया है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते को प्रभावी संशोधन दरों के साथ दिया जाएगा और रेलवे के इस फैसले से करीब 14 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह भुगतान इस महीने के अंत तक हर हाल में किया जाएगा। रेल मंत्रालय की तरफ से बोर्ड में उप निर्देशक जय कुमार ने मंगलवार को इस संबंध में सभी जोन व प्रोजोशन यूनिट को पत्र लिखा, जिनमें अपने पत्र में कहा कि रेलवे के सभी कर्मचारियों को 31% की जगह 34% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए। साथ ही कर्मचारियों को जनवरी से मार्च तक के एरियर का भुगतान का फायदा भी दिया जाए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।